हाय, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन और एक नई सुबह। ऑफिस से आ गई हूँ और ऑफिस से आने के बाद थोड़ी सी ना मुझे ठंड जैसी लग रही है। और वैसे भी मेरा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है और आसपास ना जंगल है बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ठंडी हवा चलती है तो एकदम डायरेक्ट पूरा कमरा जो हमारा ना ठंडा ठंडा हो जाता है। और इसकी वजह से थोड़ा बॉडी में भी पेन हो रहा है, तो बस एक टैबलेट खा के और थोड़ी देर आराम करूँगी। अपने ताला खोल के अंदर आना पड़ा। वो कमल कभी कभी अचानक ऐसे ही बगैर बताए चले जाते हैं कि कहीं उनको जाना है नहीं जाना है, इसलिए घर की चाबी हमेशा मेरे पास एक रहती है। तो ये टैबलेट ले लिया है, टैबलेट खाती हूँ, थोड़ा आराम करूँगी और फिर आपसे होगी मुलाकात। कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? उससे बात हुआ लाल बाबू से? हाँ, लाल बाबू फोन किया था। हाँ, तो उसका तो कहानी कर रहा है कि मुश्किल है आना अभी। क्यों? मुझसे तो कल मेरी बात हुई है, तो मैं उससे कहा था कि मैं संडे को आ जाऊंगा। मेरे को तो सुबह बोल रहा है कि मेरा आना दिक्कत है, राजेश को बोलिए तो मैं भेज दूँ। मैं उसको फोन करके देखती हूँ। देखो, नहीं तो बोला कि राजेश को, मैं कह चलो आंटी से मैं डिस्कस करता हूँ। नहीं, मेरे को तो कल बात हुई थी, मैंने फोन किया था, बोला आ जाऊंगा आंटी। पहले बोला मैं संडे को आता हूँ। हाँ, फिर उसके सडनली बोला कि राजेश को बोलना मेरा अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सारी कुशन कवर वगैरह चेंज करूंगी, आज तो शनिवार है, कल संडे को मिलेगा टाइम, सारा दिन काम करना है। और ऑफिस से आने के बाद जो एक वर्कलोड मेरे माइंड में रहता है, वो लोड नहीं है, वो मुझे करना ही करना है। तो आ करके सबसे पहले अपने बेडरूम का सारी कुर्सियाँ कुशन वगैरह सही ढंग से रखती हूँ, उसके बाद ही मैं इत्मीनान से बैठ पाती हूँ और सांसें लेती हूँ, फिर दूसरे कमरे का जो काम करना होता है उसकी तरफ बढ़ती हूँ। थोड़ा सा आराम करने के बाद कपड़े उपड़े चेंज करके जो मम्मी वाला कमरा था उस दिन अटैचियाँ तो खाली कर दी थी, और खाली करके कुछ कपड़े तो रख दिए थे, उसमें से कुछ कपड़े जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजे थे। उसी के साथ ही मैंने जो रज़ाइयाँ वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो हमेशा मैं 2 सेट रखती हूँ रज़ाइयों का या कंफर्टर का। तो अभी क्या है कि रज़ाइयाँ और कंबल जितने थे, ब्लैंकेट सब मैंने इन सारे जो गई थी कपड़े लेकर के, उसमें साड़ियाँ वगैरह थी या लहंगे का दुपट्टा वगैरह था, वो दिया था वॉशिंग के लिए मैंने, ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो वो भी दे दिया था। अब वो जो उसके बाकी के पार्ट थे तो मैंने कहा अभी 2-3 दिन हो गए हैं, मैं वेट कर लेती हूँ, जब आ जाएगा तो एक ही साथ हैंगर में लगा के इसे टांग दूंगी। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसे पहले मैं टांग ही देती हूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह जो है वो उसे अगर यहाँ रखा रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा ख़राब हो जाए। हालांकि ये सब बिल्कुल गीले वगैरह नहीं थे, तो मैंने इन साड़ी को, लहंगा जो था उसका कुर्ता और दुपट्टा दिया था मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए, लहंगा बिल्कुल सही सलामत था, तो ये सब कुछ तय वय करके मैंने इसे कवर्ड में डाल दिया। और तभी मैं सोच रही थी कि अभी 3 दिन से इतना मौसम ख़राब हो गया है कि दूसरा सेट मुझे निकालना पड़ा कंफर्टर के लिए, मतलब दूसरे सेट में मम्मी तो अभी है नहीं, तो कमल के लिए और अपने लिए, तो बस ये सारे कुछ हैंगरों में रख करके मैंने साथ में निकाल लिया। और अटैची इन्होंने, कमल ने ऊपर रख दी थी मेरे एब्सेंस में, मैं ऑफिस गई थी तो उसे उतरवाना था मुझे। कमल, वो अटैची तुमने ऊपर रख दी ना, वो अटैची चाहिए थी ना, ये कपड़े उसमें डालने हैं ना खाली, पर्पल वाली। हाँ, बाकी सारे कपड़े तो मैंने रख दिए, पैक कर दिए। कौन सा कपड़ा बता दो? ये मम्मी के सारे कपड़े रखने हैं ना। अच्छा, ओ भूल ही गया मैं तो, ऐसे ही ये सब धोने के लिए हैं, ये सारे थैले इकट्ठा करके रख देती हूं, काम आ जाते हैं। बॉडी को दे दो, वो अटैची उतार दोगे तो रख देंगे ना सारा। उतार दो क्या? उतार दो, कर दे तो रख ही देती हूं। चलो उतार के तुम रख देना, मैं चला। जैसे ही धूल उड़ेगी तुमको खांसी की प्रॉब्लम होगी। ये क्या है? वो स्टैंड है उसका, टीवी वाला है ना। दे, उतारो उतारो।
अब अटैची में सारा थोड़ा सा कपड़ा है, गर्म कपड़ा है, वो मैंने इसमें रख दिया है। और कुछ धोने वाले कपड़े जो है वो रह गए थे, क्योंकि दो दिन से मैं ऑफिस में ही व्यस्त हो गई, तो कुछ चीज़ें जो मैं रजौरी गार्डन मार्केट से ख़रीद के लाई थी आपको दिखानी थी। ये देखिए, मैं सामान जब परचेज करने जा रही थी ना, तो अचानक ही मुझे ना एक जगह नुक्कड़ पे एक महिला थी, वो बेच रही थी, तो मुझे देख के थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा। तो दाम जो बोल रही थी तो मैंने कहा पूछती हूँ, क्योंकि शोरूम से जो मैं ख़रीद के ला रही थी तो कोई भी इस तरह के जो कुशन कवर थे ना रेक्टेंगल वाले मेरे पास कम थे, तो वो शॉप से 350 पीस के हिसाब से वो दे रहे थे, इस तरह से वर्क था। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा 300 पीस, मतलब कि 600 का पेयर। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि 500 पेयर। तो एक सेकंड ऐसे उन्होंने देखा, बोलती अच्छा ले लो दीदी, आप ले लो। तो ये 500 पेयर के हिसाब से मैंने ख़रीदा, 3 ख़रीदा, 1500 उनको दिया। ये देखिए थोड़े से इसमें फर लगे हुए हैं और ये लीफ है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, तो अलग अलग कलर मैंने लिया है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा। तो एक पेयर ये लिया मैंने, एक पेयर ये देखिए इस पर ये कौड़ियाँ आती है ना, उससे वर्क किया हुआ है और हाथ का ये वर्क है, ये एक मतलब पेयर मैंने लिया। ये पर्पल लास्ट मड एक कलर का लिया था मैंने अपने कमरे के लिए लिया था, इस पर गोल्डन वर्क भी है, वाइट भी है, बट ये लाइट पर्पल कलर में है, तो इसलिए ये लेवेंडर कलर एक्चुअली। तो ये मैंने लिया एक पेयर, ये भी 500 का दिया। और एक ये लिया मैंने, ये भी 500 पेयर दिया उन्होंने, बहुत ही अच्छा था ये, दिख रहे जिस तरफ से आप कर दें इसको, अगर ऐसे आप निकालते हैं तो ये अलग कलर आ जाएगा, नीचे से निकालेंगे सीपियों का काम किया हुआ, ये देखिए, और जिस तरीके से आप करेंगे तो इस तरीके से, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा था ये भी। तो ये एक पेयर लिया, तो 1500 में मैंने 3 ही लिए। छोटे छोटे और भी चीज़ें कभी कभी मुझे सामने दिख जाती हैं तो मैं ख़रीद लेती हूँ घर के लिए डेकोरेशन के पर्पज़ से। मुझे याद है जब हमारी शादी नहीं हुई थी और भाइयों की शादी हो गई थी, तो कभी कभी भाभी या दीदी जो थी मेरी, वो दिन भर के कपड़े धोए हुए होते थे, तो उठा के शाम को अम्मा बैठी होती थी बैठक में या फिर बालकनी में, तो सारे कपड़े उठा के उनको दे दिए जाते थे और वो बैठ के धीरे धीरे सारे कपड़ों को तह कर देती थी। अब यहाँ मुझे तो कोई देने वाला नहीं है, पर हाँ शाम होते ही जो सुबह सुबह कपड़े धोते हैं उसे बैठ करके मुझे तय करना होता है, या फिर उनको अलग अलग करके बांध देती हूँ एक कपड़े में, ताकि प्रेस के लिए जो कपड़े जाने हैं वो सारे चले जाए। तो जब कभी जब आप अकेले बैठे होते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी पुरानी यादें होती हैं ना जो याद आती हैं, एकदम से दिल जो है उस उन भावनाओं में जुड़ जाता है, तब एहसास होता है कि सचमुच में यार हम भी तो हो ही गए हैं बुज़ुर्ग, और बुज़ुर्ग हो गए हैं तो जो यंग जनरेशन वाला काम है वो भी करना है खुद ही, और जो बुज़ुर्गियत में काम था वो भी करना है खुद ही, मतलब कि सारा काम खुद ही करना है। तो शुरू से लेके अभी तक इस उम्र के पड़ाव तक आते आते इतने अब ट्रेंड हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं काम करते करते, कि अगर आपकी हल्की फुल्की तबीयत भी ख़राब होती है तो उसे मान के ये चलना होता है कि नहीं नहीं मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर मैं तबीयत ख़राब सोच करके बैठ गई तो कुछ भी आगे कर नहीं पाऊँगी। इसलिए थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो मैं बोलती रहती हूँ, अपने आप को तसल्ली देती रहती हूँ कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ऐसा अगर मैं बोलती रहती हूँ मन के अंदर, तो वाकई मुझे बहुत ज़्यादा लेजनेस नहीं आता है और मैं अपने आप को थोड़ी देर में ठीक महसूस करने भी लग जाती हूँ। तो चलिए आपसे बातें करते, मेरे कपड़े सारे तय हो गए, अब इन्हें प्रेस के लिए लगा देती हूँ। दिन में ऑफिस से आने के बाद थोड़ा आराम और थोड़ा काम, बस इसी तरीके से सारा दिन चलता रहा है। और अब जाके कितना टाइम हो रहा है मैं देखती हूँ, ये देखिए 8:21 हुए हैं। ओए फ़ोन गिर गया हाथ से।
काम करने का मन तो कर रहा है और काम करने का नहीं भी मन कर रहा है, कुछ अजीब सा पूरा बॉडी का सिस्टम जो है ना वो हो गया है। अब मैं सोचती हूँ कि आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे कर दूँ, कल आपसे होती है मुलाकात। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबको बोलती रहती हूँ सेहत का ख्याल रखिए, लेकिन वाकई में वो कहा जाता है ना कि जो जब होना होता है वो किसी भी हाल में होके ही होगा, होके ही रहेगा वो, उसमें हमारा और आपका किसी का कोई बस नहीं चलता है। मैं इतना ख्याल रखती हूँ फिर भी हल्की फुल्की तबीयत जो है कभी कभी मेरी अब जाके ख़राब हो रही है, पूरी ज़िंदगी तो कभी नहीं ख़राब हुई तबीयत, कभी मेरा मेडिकल मैंने नहीं लिया, पर अभी देख रही हूँ 10-15 दिनों से थोड़ी थोड़ी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा स्टमक अपसेट हुआ और उसके बाद से डिहाइड्रेट कर गई, और अभी उसी को थोड़ा सा पेट जो है थोड़ा वीक है, तो फ्रूट्स वगैरह ही खा रही हूँ ज़्यादा, या फिर खिचड़ी खा रही हूँ। तो अपनी तरफ से तो मैं बहुत सारा ख्याल रख रही हूँ, इसीलिए आप सबको कहती रहती हूँ कि आप सब भी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो सेहत का ख्याल रखते हुए मुझे याद करते रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।